किसी मुकदमे के दौरान तारीख पेशी पर कोई मुकिल यानी आपका आरोपी वह यदि न्यायालय पर उपस्थिति नहीं दर्ज करा पाता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, उसके लिए क्या प्रक्रिया है, किस प्रकार से यदि अपने आवश्यक कार्य में तारीख पेशी पर नहीं जा पाया यानी आवश्यक कार्य पर कोई बाहर चला गया है, कृषि कार्य पे व्यस्त है या किसी बीमारी के कारण वह नहीं जा सका, तो किस प्रकार से अपने मुकदमे के दौरान वह बच सकता है, किस प्रकार से उपस्थिति दर्ज करा सकता है, क्या है इसमें प्रावधान, किस यदि कोई अपने न्यायालय पर तारीख पेशी पर नहीं पहुंचता है तो क्या सजे का प्रावधान है, ये सारा कुछ डिटेल में आज जानेंगे। यदि मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जब भी कोई मुकदमे के दौरान यानी तारीख पेशी पर वह व्यक्ति नहीं पहुंचता है तो उस दौरान व्यक्ति को कोर्ट के फैसले के अकॉर्डिंग यदि कोई साक्ष के आपके उसमें मुकदमे पे स्टेप पे चल रहा है तो वहाँ पे जाना जरूरी है, गवाह के है तो वहाँ भी जाना जरूरी है। तो उस दौरान यदि कोई मुलजिम या कोई आरोपी यदि न्यायालय पर नहीं पहुँचता है तो उसके साथ कार्रवाई की जा सकती है, उसके साथ संबंध किए जा सकते हैं, लेकिन एक निश्चितकालीन समय होता है उस दौरान वह व्यक्ति को जाना आवश्यक हो जाता है। यदि वह न्यायालय पर तारीख पेशी पर बार बार नहीं जाता है तो उस दौरान न्यायालय के समक्ष या न्यायालय के द्वारा नोटिस आ सकती है। तो उस दौरान आपको जरिए अधिवक्त के जरिए आपको हाजिरी माफी लगा करके समय ले सकते हैं कि अगली डेट पर यानी आपकी उपस्थिति हाजिरी माफी के तहत आपकी रजिस्टर कराई जा सकती है, आपकी उपस्थिति दर्ज कराई जा सकती है कि इस आवश्यक कार्य से वह बाहर गया हुआ है या आवश्यक कार्य से वह किसी कार्य में व्यस्त है या कृषि कार्य में आप व्यस्त हैं। तो इस प्रकार से यदि हाजिरी माफी जरिए अधिवक्ता की जहर आपका लगा दिया जाता है तो उस दौरान आपको न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। यदि आप न्यायालय पर दो तीन बार चार बार पांच बार पेशी में पांचवी बार पेशी में नहीं जाते हैं तो निश्चित दौरान आपको नोटिस आकर के उसमें पेनाल्टी भी आपको भुगतनी पड़ेगी, साथ ही सजा का भी प्रावधान दिया गया है। तो इस प्रकार से आप जरिए अधिवक्ता के तहत चूंकि एक एप्लीकेशन होता है उसको एप्लीकेशन में सबमिट किया जाता है, जो जो उसमें आरोपी हैं उनके आरोपियों के नाम भी लिखे जाते हैं, साथ ही साथ उसमें मेंशन किया जाता है कि किस कारण से, कारण बताना होता है कृषि कार्य के लिए या आवश्यक बाहर से या बीमारी के लिए जो भी है तो उस पर सबमिट करके न्यायालय पेश प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप अपने वकील के माध्यम से बच सकते हैं तारीख पेशी पर यदि नहीं जाना चाहते हैं या आपको बीमारी है या कृषि कार्य से, तो इस प्रकार से आप बच सकते हैं। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।